मुझे छोड़ के मत जाओ। नीलू, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओ। मत जाओ मुझे छोड़ के, प्लीज प्लीज नीलू प्लीज। तुम्हारे वादे का क्या हुआ नीलू? तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मुझे नहीं जाओगी छोड़ के, क्यों जा रही हो फिर? नीलू नीलू प्लीज डोंट गो। नीलू 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 आंखें खोलो नीलू, प्लीज प्लीज नीलू, एक बार प्लीज नीलू 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 प्लीज नीलू नीलू। वीरेन बेटा संभालो अपने आप को, बस अब जाने दो, बस बस चलो चलो बेटा, सुनो मेरी बात। बोलो हरि हरि बोल, 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 बोलो हरि हरि बोल। माफ कर दो माँ, माफ कर दो माँ, माफ कर दो माँ, माफ कर दो माँ, माफ कर दो उनसे बात नहीं करेंगे। रो क्यों रही हैं आप? रोना थोड़ी है आप। रो क्यों रही हो? ये सब क्या है? ये क्या है? ये सब, ये किसको लेकर आई हो? पता है ना कि स्वर्ण महोत्सव है, शुभ अवसर है। तुम समझ नहीं रही हो। अभी विमल आ जाएंगे, क्या जवाब देंगे? अभी होश में आइए भाभी, भाभी इधर आई। अभी देखिए, देखिए विमल भैया को। भाभी ये विमल थोड़ी है। तुम इतने साल से विमल को जानती हो, तुम विमल को पहचानती नहीं हो क्या? है? अरे ये विमल है क्या? ये विमल नहीं, ये विमल थोड़ी है। तुम पागल हो गए माँ, ये विमल है क्या? भाभी विमल भैया मर चुके हैं। खराब हो गया तुम्हारा। अरे पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई हो तुम? छोड़कर आओ, जहां से लेकर आई हो वापस छोड़कर आओ। पिताजी, पिताजी, पिताजी। अरे पानी लेके। पिताजी कीजिए, पिताजी। पिताजी, पिताजी कुछ कीजिए ना। मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पिताजी, जल्दी, जल्दी, जल्दी। मामा जी आप बुजुर्ग हैं। चलो, करण के साथ हम हैं यहाँ। आप चलो, चलो, चलो। तो भगवान को बहुत मानती थी ना, फिर उसने तुम्हारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की? मैं वादा करता हूं नीलू, तुम्हारी मौत का बदला मैं लेकर रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी हद क्यों न पार करनी पड़े। मैं फॉर्मेलिटीज करके आता हूं, तुम लोग पिताजी के साथ। पिताजी कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, आंखें खोलिए। प्लीज आप लोग बाहर रुकिए। पिताजी को कुछ नहीं होगा। बाबा पिताजी को कुछ नहीं हो, तुम घबराओ मत। बाबा ये सब एकदम भैया। अब तुम इतना सब अकेली सहती रही, कम से कम एक फोन किया होता, हम पहले आ जाते। ये सब इतना अचानक हो रहा था, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था जीजाजी। एक तरफ करण का ऑपरेशन चल रहा था, दूसरी तरफ विमल भैया पापा सबका इलाज चल रहा था, इंजेक्शंस, अब दवाइयाँ, इतना सारा कुछ। उस वक्त हमें कुछ और नहीं सूझ रहा था सिवाय ये कि कैसे उन सबकी जान बचाए। अरे मार गए दीदी। हमने सबको खो दिया। अब नहीं, ये संभालो अपने आप को। तुम हिम्मत नहीं हार सकती, माँ जी को सबको तुम्हें संभालना है। हौसला रखो आप। जीजा जी अगर 48 घंटों से पहले हमने करण का ऑपरेशन नहीं करवाया। तुम करण के ऑपरेशन की चिंता मत करो, सबसे बड़ा डॉक्टर आके उसका ऑपरेशन करेगा, प्लीज। लेकिन इस समय करण को तुम्हारी जरूरत है। जाओ और पिताजी की चिंता मत करना, मैं यहाँ हूँ, जैसे उन्हें होश आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। अब ये कुछ पैसे रखो, उसकी जरूरत होगी। पिताजी का डॉक्टर करण। देखिए मिसेस प्रसाद, 48 घंटे तक उनकी हालत के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप कुछ भी नहीं कह सकते? अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा? आप तो डॉक्टर हैं, पेशेंट का इलाज करना आपका फर्ज है, उनकी जान बचाना आपका फर्ज है। एक मिनट, हम हैं ना यहाँ पे, हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, आप तो जानते हैं कि हमारी बहन की मानसिक स्थिति अभी। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, मेरा मतलब यह है कि जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता बताना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी ऑपरेशन कल सुबह तक हो सकता है, वो भी क्या अगर ऑपरेशन डॉक्टर वीरेन रॉय करे तो। हाँ तो बुलाइए ना उन्हें, यहाँ किसी की जिंदगी का सवाल है, कहाँ है वो? पर मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर वीरेन इस समय ऐसा कुछ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत बिजी है, उन्हें बहुत पैसे चाहिए। डॉक्टर वीरेन रॉय ही करण का ऑपरेशन करेंगे, उनका नंबर दीजिए। नानी, मम्मा कब आएगी? कितना टाइम हो गया उनको? आ जाएगी बेटा, तुम खाना तो खाओ। अरे वाह, पास्ता। पास्ता तो हमारे मैंग को बहुत पसंद है। चल बेटा, खाओ। खा ले। मम्मा ने नहीं बनाया है। मैं किसी और के हाथ का बना हुआ पास्ता नहीं खाता हूँ। छोड़ा है नीला को। नहीं मां, नीलू हमेशा हमारे साथ रहेगी। पापा, मम्मा आपके साथ नहीं आई है? कहाँ रह गई वो? बेटे, वो भगवान जी के पास आपके लिए आंखें लाने गई है। थोड़ा सा कुछ खा ले। आजा। एक्सीडेंट के सिलसिले में कुछ बात करनी। मिस्टी, चलो बेटे आओ। अच्छा, प्यारा बच्चा। इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त हम कोई भी बयान देने की स्थिति में नहीं है। ये काम बाद में हो सकता है क्या? बाबा, इन्हें अपनी ड्यूटी पूरी करने दीजिए। मेरा बयान लेने से पहले आई एम श्योर आपने असली गुनहगार का भी बयान ले लिया होगा, क्योंकि एक्सीडेंट तो उसकी गलती की वजह से हुआ था। छानबीन तो आपने उनकी भी की होगी। वैसे नाम क्या उसका? जी, उनका नाम करण प्रसाद है। उज्जैन के रहने वाले हैं वो लोग। करण प्रसाद। हाँ, करण प्रसाद। मैं इस करण प्रसाद से मिल चुका हूँ। अच्छा हुआ एड्रेस देखकर हमें पता चल गया कि निरंजना जी के घर का एड्रेस। अब हम करण तो किसी की तरह बचा लेंगे। करण प्रसाद, ये कहाँ रहता है करण प्रसाद? मैं तो छोड़ूंगा नहीं ना उसको। मैं मार दूंगा उसको। वो बचेगा ही नहीं। मैं मार दूंगा उसको। सर, वो खुद हॉस्पिटल में एडमिट है। इस एक्सीडेंट में उनके परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। ये महज एक हादसा है। मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसकी फैमिली की मौत हुई है तो उसकी गलती की वजह से हुई है। मेरी नीलू की मौत हुई उसकी गलती की वजह से, जो मैं बुला नहीं सकता। उसके गुनाहों की सजा उसको भुगतनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। निरंजना जी, डॉक्टर रॉय ही करण को बचाने की आखिरी उम्मीद है और उन्हें ये करना ही होगा। एड्रेस बताइए मुझे उसका। बताइए मुझे उसका एड्रेस। मार दूंगा मैं उसे जान से। अरे मैडम, किससे मिलना है आपको? हमें डॉक्टर रॉय से मिलना है। मगर वो इतनी रात गए, किससे नहीं मिलते? देखिए, हम निरंजना जी की सहेली है। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। समझ जाने दीजिए प्लीज। सॉरी सर, मैं उसका एड्रेस नहीं दे सकता। एड्रेस तो आपको बताना ही पड़ेगा। अरे बोलिए ना। नहीं, एड्रेस तो देना पड़ेगा आपको। बेटा संभालो। मैं उसको धीरेन बेटा। इंस्पेक्टर, उसको हम ये कल करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, संभालो बेटा, संभालो। इसके हाथ कभी भी करण प्रसाद का एड्रेस नहीं लगने देना जी। इसकी आंखों में मुझे वही नफरत और जुनून नजर आ रहा था। ये अगर करण प्रसाद तक पहुंच गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्लीज गेट अ कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। शांत हो जा बेटे। नीलू, तो मुझे सिर्फ 2 ही नाम याद रहेंगे। एक तुम्हारा और एक उस करण प्रसाद का। राय करण का ऑपरेशन जरूर करेंगे, और अगर वो मना करेंगे तो हम निरंजना जी से कहेंगे उन्हें मनाने के लिए।